चलिए नए साल से ये ट्राई करते हैं कि कुछ हेल्दी बनाएं और हेल्दी ही खाएं और अपने शरीर का ध्यान रखें। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम पैम्स किचन। आज ये हम लेकर आए हैं बढ़िया सी बाजरे से बने हुए लड्डू। तो रेसिपी चाहिए इसकी? अगर रेसिपी चाहिए तो मेरी किचन में चलना पड़ेगा मेरे साथ और देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनाए हैं हमने बाजरा और गोंद के ये स्पेशल लड्डू सर्दियों के लिए। दिख रहे हैं ना लाजवाब? तो चलिए फिर बनाते हैं ये बाजरा गोंद के हेल्दी से लड्डू। बहुत ही इजी रेसिपी है। एक कढ़ाई, गरम कढ़ाई में मैं लूँगी एक चम्मच देसी घी और इसमें हम ये डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के गोंद का। तो गोंद, जैसे आपको सबको पता है कि गोंद जो है हमारी शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है और ये हमारी बोन्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छे होती हैं। तो सर्दियों में आप ट्राई करें कि गोंद के लड्डू या गोंद से बनी हुई और कोई पंजीरी, इस तरह की चीज़ें ज़रूर लें। तो इसको हम जो है अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से, तो ये सारा फूल जाता है अच्छे से। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमने निकाल लिया एक प्लेट में जैसे ही ये सारा अच्छे से फ्राई होता है। और फिर हम उसी घी के साथ ही और घी डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच भर के और घी डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे दो बड़े कप भर के या दो कटोरी, जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से हम इसमें ये बाजरा डालेंगे। और इसको जो है हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे इस घी के साथ, देसी घी के साथ। बाजरा भी एक विंटर की बहुत ही अच्छी मिलेट की एक फॉर्म है, तो जितना ज़्यादा कंज्यूम करना हो आपको उतना आप सर्दियों में जो है बाजरा, मक्की, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और जैसे मैंने, मुझे लगा कि घी अभी कम है तो हम इसमें थोड़ा घी और डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। और जब तक हमारा बाजरा आटा भून रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। ये जो मैंने गोंद को फ्राई किया था उसको हम जो है इस तरह से इसको क्रश कर लेंगे। तो मेरे पास ये क्रश करने के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कपड़े में डाल करके उसको, उससे हम जिससे रोटी बनाते हैं बेलन, उससे आप इसको क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें कोर्सली गोंद जो रखना है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू, किशमिश, ये आपकी चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी डालें। और ये मैंने लिया है यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो होता है हमारा उसको ग्रेट कर लिया है। और इधर देखा तो बाजरा भी हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है, आप कलर देख रहे हैं ना, कलर चेंज हो गया इसका। तो इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें हम किसी बर्तन में निकाल करके और ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे और गोंद है ये सारा कुछ इसमें हम मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखें ये बाजरा अभी गर्म ही है, जो बाजरे का आटा है, तो हम किसी चम्मच के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बाजरे को हमें गर्म ही रखना है थोड़ा सा। और अब जो है हम एक पैन में ले रहे हैं एक कप गुड़। तो गुड़ भी जैसे आपको पता है कि सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करता है ये, वैसे तो हमें गर्मी सर्दी ही इसे यूज़ करना चाहिए लेकिन सर्दियों में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो गुड़ को भी हम मेल्ट कर लेंगे, इसको हमें पकाना नहीं है, बस स्लो फ्लेम पे इसको आप मेल्ट कर लें। और इसको किसी नॉनस्टिक पैन में ही मेल्ट करें क्योंकि फिर नहीं तो दूसरे पैन के साथ ये चिपक जाएगा। और ये गरम गरम गुड़ जो है हम अपने जो हमने मिक्सचर रखा हुआ है उसमें हम डाल देंगे। तो ये गुड़ सारा मेल्ट करके हम उसके साथ इसको भी गरम गरम में ही मिला देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप गुड़ को नहीं खाना आपने, तो आप इसमें देसी खांड भी, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो
उससे भी अच्छा बन जाएगा ये, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को गुड़ के साथ हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि गुड़ ठंडा होने से पहले ही हम इसको मिक्स कर दें। और बस जैसे ही पहले आप इस पे चीनी थोड़ी सी चेक कर लें, और फिर जैसे थोड़ा सा यूज़ करने के हिसाब से गर्म हो, आप इसको लड्डू में बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि लड्डू नहीं बन रहा क्योंकि ये बाजरे का आटा है, तो थोड़ा सा आप एक चम्मच ऐसे घी और भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर्दियों में देसी घी तो बहुत ही फ़ायदे वाला होता है। और अभी अभी हमारे पीएम ने भी अपने मन की बात में देसी घी को प्रेफरेंस दी है। तो इस तरह से मैं हाथ पे थोड़ा सा घी इसको करते हुए, और फिर हम इसके जो है लड्डू बनाएंगे। ये देखो आटे की पिन्नी की तरह नहीं होता कि आटा थोड़ा सा जल्दी बाइंड हो जाता है, बाजरा थोड़ा सा क्योंकि इसमें कुछ ग्लूटन वगैरह नहीं होता, ये ग्लूटन फ्री आटा होता है, तो इसलिए थोड़ा लड्डू इसका टाइम लेता है बनने में, बट बन जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहें तो आप इसको पंजीरी के हिसाब से भी खा सकते हैं, या इस तरह से लड्डू बना कर के रख लीजिए, और एक लड्डू आप घर में सबको खिलाइए, बच्चों को, बड़ों को, दूध के साथ। बहुत ही ताकत देने वाले हैं ये लड्डू, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, गोंद है इसमें, और बच्चों को हमारी डेलिकेसीज खिलानी चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर देखते रहिए, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।